तो इस वीडियो के अंदर हम विक 32 के सोनी सब के सभी सोजी के ऑफलाइन यानी कि मेन टीआरपी के बारे में बात करने वाले हैं। फाइनली इस हफ्ते का मेन टीआरपी आ गया है, तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते सोनी सब के कौन से शो की मेन टीआरपी क्या आई है। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी नंबर वन पर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो 1.9 टीआरपी रेटिंग पॉइंट्स के साथ। नंबर टू पर है वागले की दुनिया 1.0 टीआरपी रेटिंग पॉइंट्स के साथ। नंबर थ्री पर है पुष्पा इम्पॉसिबल शो 0.9 टीआरपी के साथ। उसके बाद नंबर फोर पर है वंशज शो 0.8 टीआरपी के साथ। उसके बाद नंबर फाइव पर है ध्रुव तारा शो 0.5 टीआरपी के साथ। नंबर सिक्स पर है मैडम सर एक्शन का रिप्लाई 0.4 टीआरपी के साथ। नंबर सेवन पर है दिल दिया गल्ला शो 0.3 टीआरपी के साथ। और इस हफ्ते भी सबसे लास्ट में नंबर एट पर है बालवीर 3 0.2 टीआरपी के साथ। तो लास्ट हफ्ते के मुकाबले सोनी सब के सोच के इस हफ्ते की टीआरपी के बारे में बात करें तो इस हफ्ते ध्रुव तारा एंड पुष्पा इम्पॉसिबल इन दोनों शो की टीआरपी 0.1 डिक्रीज हुई है। इसके अलावा भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बाद वागले की दुनिया और पुष्पा इम्पॉसिबल शो, ये दोनों शो भी टीआरपी में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद वंशज शो भी अपने सेकेंड वीक से ही सोनी सब को 0.8 टीआरपी ला करके दे रहा है, जो की टाइम स्लॉट के मुकाबले काफी अच्छी टीआरपी है। उसके बाद बात करें बालवीर 3 शो के बारे में, तो बालवीर 3 बहुत ही जल्द बंद हो जाएगा क्योंकि लोग इस शो को टीवी पर बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, और इसलिए बालवीर 3 को स्टार्ट हुए काफी टाइम हो चुके हैं लेकिन शो की टीआरपी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रही है। बाकी दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।